जाना है, हमने एग्जांपल दिया उस हिसाब से, मान लो कि 3 मेगावाट का प्लांट अगर लगाना है तो वही प्लांट 3 मेगावाट का विंड पावर में 1.5 by 10 मतलब 0.1 हेक्टर में विंड पावर पूरा लग जाता है 3 मेगावाट। और वही सब जो देखा जाए इन सोलर में तो पूरा 6 हेक्टर जमीन लगता है, तो मतलब 6 हेक्टर और कहा 1.1 मतलब 60 टाइम मोर जो है वो लैंड हमको चाहिए इन छोटे आरे सोलर में, मतलब कि लैंड और सोलर यानी डाउन माउंटेड सोलर। तो वही जो करता है वो फ्लोटिंग सोलर करता है, लेकिन वो पूरा लैंड हमको बच जाता है और वही पूरा हम लगाते हैं वाटर के ऊपर। मतलब फ्लोटिंग सोलर का मेन जो पर्पज है वो हमारा है लैंड, मतलब लैंड को हम भी बचा सकते हैं और वही लॉन्च लैंड की और जगह हम यूज कर सकते हैं। तो वो ये मेन पर्पज हो गया कि बाय फ्लोटिंग सोलर। सेकेंड हम यूज चेक करते हैं दिस इज है बोर्डिंग टू फ्लोटिंग सोलर। फ्लोटिंग सोलर क्या है? फ्लोटिंग सोलर इज वन टाइप ऑफ ओनली टेक्नोलॉजी, जैसे हम ग्राउंड माउंटेड या तो देखने जाए तो वो तो लगाते हैं, वही हिसाब से हमको लगाना है लेकिन सिर्फ पानी के ऊपर लगाना है। फ्लोटिंग सोलर इज नोन एज अ फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक, अगर उसका दूसरा नाम देखना है एफपीवी है, उसको एफपीवी बोलते हैं। एफपीवी मतलब ये फ्लोटिंग सोलर जो है उसको हम पानी के ऊपर मतलब थोड़ा बहुत अंतर में रह के उसके ऊपर काम करना है। इट इज एनी सॉर्ट ऑफ सोलर एरे दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कि उसके ऊपर हमको पैनल का एरे ही बनाना है, जैसे हम रूफटॉप और ये इसको बनाते हैं डाउन माउंटेड, तो वही हिसाब से ये करना है हमको पानी पे। थर्मली देखने जाए तो वन टाइप ऑफ टेक्निक है ये फ्लोटिंग सोलर, कोई और मतलब सेम चीज है बाकी का जो चीज है, मतलब एसी है, डिस्प्ले है, इन्वर्टर है, और आगे देखने जाए तो मीटर साइड है, वो सब सेम है। मतलब ये पूरा टेक्निक जो है वो आगे का है, और पैनल को कैसे सेट करना है वो टाइप का एक टेक्निक है, और जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर। और अभी इसमें कंपोनेंट देखने जाए तो उसमें 4-5 टाइप का मेन कंपोनेंट है। फर्स्ट है इसका पॉन्टून, पॉन्टून जो है वो उसके ऊपर जो तैरता है उसको बोलते हैं हम पॉन्टून, पॉन्टून या तो फ्लोट बोलते हैं इसको, सेकंड इसको बोलते हैं फ्लोटर। सेकंड वन इज अ मूविंग सिस्टम, थर्ड वन इज अ सोलर मॉड्यूल, फोर्थ वन इज अ अंडर वाटर केबल एंड माउंटिंग स्ट्रक्चर। अभी हम चेक करते हैं फर्स्ट पॉन्टून और यानी फ्लोटर क्या है, तो आपको मैं फोटो शेयर करता हूँ। ये फोटो है जो लगा हुआ है, पूरा 1 मेगावाट प्लांट है जो फ्लोटिंग सोलर है, और ये आपको एक जानकारी दे दूं, ये जो 1 मेगावाट प्लांट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इन गुजरात का है, एंड दैट इज एनटीपीसी कवास हजीरा। ये हजीरा कवास में फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात में फर्स्ट टाइम एक 1 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर लगा है, और ये अभी अभी जुलाई में ही इसका लॉन्चिंग हुआ है, मतलब ये पूरा कमीशन प्लांट है। और इसका जो मेन हम अगर फ्लोटर की बात करें तो ये जो फ्लोटर है ये आप जो देख रहे हैं ये जो है इसको बोलते हैं एक्सेस फ्लोटर, जिसको दैट इज कॉल्ड एज अ वन टाइप ऑफ वॉकवे। ये जो लंबा वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है एक्सेस फ्लोटर। और यहाँ पर मैं दूसरा फोटो भी आपको शेयर करता हूँ, ये वाला। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम फ्लोटर। ये जो आपको लंबा पार्ट दिख रहा है ये जो है ये है एक्सेस फ्लोटर, जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ वॉकवे, इसके ऊपर चलना रहता है। और ये जो है ये पार्ट जो है ये इसको बोलते हैं हम मेन फ्लोटर, और मतलब इसमें से दो पार्ट आता है फ्लोटर। फ्लोटर में क्या है, मेन फ्लोटर एंड सेकेंड वन इज द एक्सेस फ्लोटर। मेन फ्लोटर जो है ये मेन फ्लोटर उसका काम रहता है मॉड्यूल माउंटिंग उसके ऊपर रहता है, और एक्सेस फ्लोटर है उसका काम है उसके ऊपर हम वॉक टाइप ऐसे चलना रहता है।
और इसका दूसरा भी पार्ट आता है फ्लोटर के अलावा, वो है एचडीपी पाइप। एचडीपी पाइप से भी हम पूरा वॉकवे और वो हिसाब से पूरा फ्लोटर सेट कर सकते हैं। और लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये नई टेक्नोलॉजी है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इनोवेशन करके एचडीपी में से निकल के हम यहाँ पे फ्लोटर साइड आए हैं। ये जो फ्लोटर साइड है ये उसमें दो पार्ट रहता है, मेन फ्लोटर एंड एक्सेस फ्लोटर। नाउ सेकंड देखा जाए तो ये जो है ये पूरा माउंटिंग स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ नट बोल्ट से फिट होता है। मतलब ये पूरा आप यहाँ पे एक हॉल देख सकते हो, ये जो हॉल है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर माउंटिंग सेट करना रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है, एनीवन सी दैट? हेलो, यस 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 यस, ओके ओके। मतलब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये जो हॉल है उसमें हम पूरा नट बोल्ट में के साथ यहाँ पे माउंटिंग स्ट्रक्चर सेट करते हैं। और ये जो यहाँ पे है इसका लोअर पार्ट्स रहता है, ये लोअर पार्ट्स है, यहाँ पे इसका हायर पार्ट्स है। जैसे कि हम देखते हैं ये पूरा जो है उसका बेंडिंग होता है और उसको हम फिटिंग करते हैं नट बोल्ट से। और ये जो नट बोल्ट से है उसका एचडीपी और नट बोल्ट का दोनों वो रहता है, और ये जो नट बोल्ट है वो सब एसएस रहता है, क्योंकि पानी है तो वहाँ पे वो पूरा एमएस नहीं चलेगा। यहाँ पे पूरा एसएस का वो सब सेट करके इसके साथ एसएस नट बोल्ट अटैच करके ही आगे चलाना है। और ये आप देख रहे हो इसका जो पैनल शिफ्टिंग है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका रबर टाइप का बैंड आता है, उसको रबर बैंड से हम पूरा पैनल उसको फिट करते हैं। मतलब ये जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लास जब कोई हम फिट करते हैं ग्लास, तो ग्लास के ऊपर ग्राउंड टाइप का रबर आता है, रबर को बराबर पुश करते हैं तो वही हिसाब से उसको पूरा फिट हो जाता है ग्लास। वही हिसाब से यहाँ पे पैनल की फ्रेम से करना है और वो पूरा पैनल को उसके साथ फिट करना है और पूरा प्रेशर दे के उसके साथ फिट कर देना है, क्योंकि वो हिलना से। अब वही यहाँ पे ऐसे पूरा इसको एरे बनाना है, एक के बाद एक के बाद एक। अब आप इसमें ये दो तरह के काम कर सकते हो, पहले पूरा ये जो फ्लोटिंग है वो आप यहाँ पे बाहर बना के फिर पानी में जाने दे सकते हो, और सेकेंडली क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरा ये बना के पैनल फिट नहीं करना है, पैनल जो फिट करना है वो करना है अंदर। मतलब दो तरह के हम इसमें माउंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा फ्लोटर है और वो सब फिटिंग करके उसको पानी में करके पैनल फिट करना है, एंड अगर ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे पैनल के साथ फिट करके उसको अंदर जाने देना है। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि पहले यहाँ पे हम फिट करके सिर्फ पैनल ना फिट करें, पैनल को हम पानी के अंदर फिट करें, क्योंकि यहाँ पे जब हम ये सब फिट करके आगे ले जाएंगे तो साथ में पैनल का भी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और जैसे वो हिलेगा तो वो पैनल जो है वो माइक्रोपैक हो सकता है। तो वो अगर माइक्रोपैक से बचाने के लिए हम इसको पूरा पहले पानी में डाल के फिर उसको प्रॉपर पैनल फिट करते हैं। अभी थर्ड वन देखने जाए तो उसका बाद फ्लोटर के बाद आता है, दैट इज मेन बोरिंग सिस्टम। इसका मैं फोटो आपको शेयर करता हूँ। ये वाला ये जो है इसका अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एक जो है पूरा ये एरे बन गया। सेकेंड वन है यहाँ पे एक दूसरा एरे है, ये जो है ये मेन फ्लोटर है और यहाँ पे आगे जो चलने का रास्ता है यहाँ पे एक्सेस फ्लोटर है।
वो जो है यहाँ पे दोनों के बीच में हम जगह रखते हैं, ये दोनों पैनल के बीच में भी हम जगह रखते हैं, यहाँ पे 80 और 90 mm जितना जगह रख सकते हैं, क्योंकि वो विंड के हिसाब से उसका पूरा डिजाइनिंग सेट रहता है। दूसरा चेक करने जाए तो ऐसे हम पूरा यहाँ पे एक ये बिठा के फिर एक के बाद एक प्लेटफॉर्म यहाँ से आगे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये पहला हो गया, उसके साथ ये दूसरा कनेक्ट करेंगे, दूसरे के साथ यहाँ पे तीसरा पहले सेट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर हम पूरा ये पैनल बिठाएंगे, तो ये यहाँ पे पैनल बिठाना अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफ्लेट बहुत कम आते हैं, ये माइक्रोफ्लेट के लिए ये पूरा सेट किया हुआ है। बाकी का जो सिस्टम है वो रोटिंग और ये नट बोल्ट है, ये पैनल का जो फिटिंग है वो सब यहाँ पे रहेगा और वो सही रहेगा यहाँ पे जो है। इसके बाद अगर ये हो जाएगा, इसके बाद पूरा ये वाला यहाँ पे नीचे लाके फिर हम उसके साथ पूरा इसके साथ अटैच करेंगे, मतलब ये जो पूरा है एक के बाद एक पहले करते जाएंगे, वो हिसाब से पूरा आगे का प्लान करेंगे हम। अभी आगे सिस्टम चेक करते हैं, बोरिंग सिस्टम। बोरिंग सिस्टम मीन्स क्या है, उसको हम पूरा ये रोप से ये वाला ये जो है मोरिंग, ये इसका ये जो रॉप है इसको हम पूरा अगर ये पैनल फिट हो जाए उसके बाद उसको ये यहाँ पे रॉप से, मतलब ये इसको बोलते हैं पी रोड या तो ये टाइप का रोड है, उसको रोड से पूरा यहाँ पे बांधते हैं, क्योंकि तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब अगर यहाँ पे ये रोड नहीं है या तो रॉप नहीं है तो हम उसको क्या होगा यहाँ पे ये पूरा प्लान है वो यहाँ से आगे चला जाएगा, यहाँ पे आगे चला जाएगा तो पूरा ये इसका ऊपर नीचे एक्सेस होके फिर ये कोई ना कोई पैनल है वो ऊपर नीचे होके बैंड या तो क्रैक हो सकता है। तो मतलब उसको पूरा अगर ये सेट हो जाने के बाद उसको पूरा मूरिंग सिस्टम बोलते हैं, उसको पूरा बांध देते हैं। और अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ये जगह पे बांधने की जगह नहीं है तो उसको हम एंकरिंग सिस्टम कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एंकरिंग सिस्टम जो है, तो ये एंकरिंग सिस्टम यहाँ पे ये मूरिंग सिस्टम, जैसे हम आपने फोटो में देखा ये मूरिंग सिस्टम है, जैसे ये रोड से जो बांधा था वो ये मूरिंग सिस्टम हो गया। उसके साथ एंकर, ये एंकर जो है वो जैसे हम ये कमर्शियल या तो ग्राउंड माउंटेड में जो बनाते हैं, ये ग्राउंड माउंटेड का जो बनाया हुआ है वो ब्लॉक, जैसे अभी हम या रेजिडेंशियल में बनाते 300x300 वैसे ही बड़ा बड़ा ब्लॉक बनाते हैं, वो बनाते हैं हम इसमें, मतलब इसका यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पानी में जाके उसको बहुत ज्यादा हाइट वेट करके उसको पानी में डालते हैं और उसके साथ ये पूरा ये रोड जो है रोड उसको बांध देते हैं और उसके साथ ये पूरा ये सपोर्टिंग सिस्टम है उसके साथ रखते हैं। दूसरा जो है मान लो कि अगर कम वेट पड़ा उसके ऊपर या तो 1 मीटर का भी रख सकते हैं हम उसके साथ और कम पड़ा तो ये पूरा अलग से बना के उसको वेट हम सेट करते हैं, उसको दो टाइप का बोलते हैं, एक एंकर भी आता है उसमें और एक ये वेट वाला ब्लॉक भी आता है उसमें। दूसरा आगे जाते हैं पैनल फिटिंग में, तो पैनल फिटिंग है उसमें हमने देख लिया वो रबर फिक्सिंग आता है, रबर फिक्सिंग जो है वो पूरा एक उसका वो आता है डिजाइन वाइज उसका रबर अलग अलग सेटिंग रहता है उसका, वो पैनल फिटिंग के लिए हम रबर से फिट कर सकते हैं। नीचे उसके साथ एसएस के बोल्ट भी रहते हैं, वो एसएस के बोल्ट के साइड हम उसको सेट करते हैं। आगे देखते हैं केबलिंग की साइड क्या आता है, मान लो कि केबलिंग की साइड हमको ये आपने देखते हैं मुझे लेफ्ट वाले फोटो में अंडर वाटर केबल है, ये पूरा अंडर वाटर केबल जो है वो पूरा एक पाइप को बोलते हैं, जैसे कि एचपी पाइप और कोई इससे वाटरप्रूफ पाइप रहता है तो उसमें हम पाइप में पूरा केबल डाल के उसको बाहर ले सकते हैं, मतलब ये जो केबलिंग है उसका ये पूरा बाहर रहेगा, मतलब ये अंदर जाके फिर यहाँ से
आप देख सकते हो यहाँ पे पावर केबल या तो वो पावर कन्वर्टर के साइड यहाँ से अंदर लेके आप पार ला सकते हो। अब यहाँ पे राइट साइड वाले फोटो में देखते हैं तो हमने पूरा जो देखा था जैसे फोटो में ये पूरा प्लांट है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है पीवी मॉड्यूल से ये हमने जो फ्लोटर देखा वो फ्लोटर की सब अलग अलग डिजाइनिंग रहते हैं। ये फ्लोटर के जैसे भी आप प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर अलग अलग फ्लोटर के डिजाइन सेट कर सकते हो। ये जो है उसको दो बोलते हैं फ्लोटर या तो पॉन्टून। इसके साथ दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे उसके साथ मूरिंग करके हम बांध देते हैं। मूरिंग के साथ साथ ये एंकरिंग भी रखना रहता है। बाद में उसका आता है पैनल फिटिंग। पैनल फिटिंग हो जाने के बाद उसमें आएगा इन्वर्टर। इन्वर्टर अभी हम दो जगह रख सकते हैं। बाकी का आपको बता दूं बाकी का पार्ट जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि पैनल के बाद में जो जो भाग आएगा मतलब इन्वर्टर है, एसी टीवी है, डीसी साइड है, फिर आगे जाके ट्रांसफॉर्मर है, देन अगेन ट्रांसमिशन लाइन, वो सब यहाँ से सेम रहेगा। सिर्फ हमको इसमें फ्लोटिंग में सेट करना है वो है पैनल और फ्लोटर। बस पैनल और फ्लोटर सेट हो जाने के बाद पीछे का जो भाग है वो जैसे अभी हम ग्राउंड माउंटेड और ये रेसिडेंशियल रूफटॉप में करते हैं वो हिसाब से है। मतलब यहाँ से आगे डीसी साइड का ये अंडरवाटर केबल करके आया डीसी केबल, ये आप देख सकते हो ये वाले। ये फोटो में जो ये ऑरेंज जितना पाइप है ये ऑरेंज पाइप जो है उसमें से सब केबल लाया है। इसमें ये केबल जो है वो अंडरवाटर केबल नहीं है, ये पूरा बाहर का केबल है और ये केबल जो है वो बाहर से निकाला गया है। मतलब ये केबलिंग जो है यहाँ बाहर लाके ये डीसी है पूरा, फिर बाहर लाके हमने ऐसे सेट किया है जो है वो इन्वर्टर है। मतलब इन्वर्टर इसका पूरा बाहर की सेट रखा है। तो इन्वर्टर जो है वो हम बाहर रख सकते हैं। इसमें दो टाइप के इन्वर्टर भी सेट हो सकते हैं जैसे कि सेंट्रल इन्वर्टर है या तो स्ट्रिंग इन्वर्टर, दोनों इन्वर्टर हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये बेस्ट रहेगा आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर। जैसे अभी हम सेट करते हैं 100 किलो वोल्ट, 60 किलो और 80 किलो वोल्ट, वो हिसाब से ये पूरा ये स्ट्रिंग इन्वर्टर यहाँ पे सेट रहेगा। आगे चेक करते हैं इसका एसी डीबी और एलटी पैनल ट्रांसफॉर्मर। एसी डीबी एलटी पैनल ट्रांसफॉर्मर वो सब सेम रहेगा। मतलब जो हिसाब से हमको डिजाइनिंग में सेट करना रहता है वो हिसाब से डिजाइनिंग के साथ उसको सेट करना है। एसी डीबी डीसी डीबी इसमें दूसरा जो हमने टेक्नोलॉजी जो चेक किया था वो था कि इसमें एचडीपी वाला फ्लोटर भी हम सेट कर सकते हैं। तो एचडीपी वाला फ्लोटर जो है उसको पाइप सिस्टम से फ्लोटर बनाना रहता है। पाइप सिस्टम से जो फ्लोटर बनाते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन टेक्नोलॉजी। फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूजन के साथ मतलब उसको पूरा पिघल के दो पाइप फिट करके उसका पूरा फ्लोट बनता है और वो जो फ्लोट है उसको फ्यूजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उससे हम ज्वाइंट करते हैं उसके आगे मतलब फिर ये स्ट्रक्चर है पैनल का और ये आगे पैनल फिटिंग है, ट्रांसफॉर्मर है, वो पूरा पार्ट तक वो सब सेम रहेगा। फ्यूजन टेक्नोलॉजी में सिर्फ फ्लोटर चेंज होगा और ये फ्लोटर वाला जो है एक्सेस और मेन फ्लोटर। यहाँ पे अब हम आगे बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्लोटिंग सोलर। मतलब अभी ये पूरा तो हमने कर दिया, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा पानी पे रहेगा तो रिड्यूस रिजर्वायर वाटर इवेपोरेशन। तो इसका जो वाटर का इवेपोरेशन है वो पूरा रिड्यूस होगा क्योंकि ये हम पूरा पानी पे लगाते हैं तो पानी का इवेपोरेशन है वो पूरा कम होगा। सेकेंड देखने जाए तो ये फ्लोटिंग सोलर ये है सिस्टम इलेक्ट्रिकल जो है मतलब ग्राउंड माउंटेड और रूफटॉप जो प्रोजेक्ट करते हैं उसके उससे ज्यादा हमको आउटपुट देगा क्योंकि इसमें क्या है कूलिंग वाटर इफेक्ट है। कूलिंग वाटर इफेक्ट जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो हमको कम जनरेशन मिलता है। तो उसमें क्या इसमें क्या करेगा फ्लोटिंग में नीचे से पानी जो है वो पैनल को पूरा कूलिंग रख सकता है। तो वो कूलिंग के हिसाब से फ्लोटिंग जो है उसका सोलर का हमको जनरेशन ज्यादा मिलेगा और उसका एफिशिएंसी भी हमको ज्यादा रहेगा। ऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर रिसाइकलेबल, उसका बेनिफिट ये भी है कि जितना अभी हमने मटेरियल देखा
वो सब मटेरियल जो है वो पूरा रिसाइकलेबल है उसके, मतलब पूरा अलग अलग फ्लोर जैसे हमने देखा तो फ्लोर जो है वो पूरा खोल के हम कहीं और ऊपर लगा सकते हैं, या तो कोई टूट गया मान लो कि अगर कोई फ्लोर टूटा हुआ है तो उसको पूरा रिसाइकल करके पूरा लगा सकते हैं नया। अब सेकेंड है रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, सेवस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। ये भी हम चेक कर सकते हैं इरिगेशन के लिए पानी है उसका इवेपोरेशन कम है तो पानी भी हमको वैसे वैसे मिलेगा और इरिगेशन के लिए हमको अभी कम नहीं पड़ेगा। नो लैंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड ड्यू प्रोजेक्ट, ये तो पूरा सेम है, मतलब कि लैंड हमको नहीं चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट जो है मेगावाट स्केल है तो मेगावाट स्केल में हम करते हैं तो उसका जो लैंड है उसको आप भी चेक करते हो कि डाउन माउंटेड अगर मेगावाट गीगावाट में किया जाए तो उसमें कितना ज़्यादा लैंड रहता है और वही हिसाब से अभी हम पानी यानी फ्लोटिंग में देखें तो फ्लोटिंग के हिसाब से मतलब बहुत कम जगह चाहिए। देन वाटर फॉर क्लीनिंग प्लांट्स रेडीली अवेलेबल, हाँ मतलब वाटर अभी रेडीली अवेलेबल है वहाँ पर, मतलब वो हिसाब से भी देखने जाए तो हमारा एफिशिएंसी या तो जनरेशन बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि हम टाइम टू टाइम उसका क्लीनिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी पानी का इशू नहीं आएगा। जैसे ग्राउंड माउंटेड में हम देखते हैं कि बहुत टाइम पानी का प्रॉब्लम रहता है, जैसे हम पूरा हमारा पैनल जो है वो क्लीन नहीं कर सकते तो यहाँ पे तो ये पूरा वेस्ट है। जैसे पानी आपने अभी एक फोटो देखा होगा यहाँ पे पूरा पानी का ये जो ब्लैक पाइप आपको दिख रहा है ये पूरा क्लीनिंग के लिए है, ये क्लीनिंग के लिए स्पेशल पाइप रखा गया है और यहाँ से ये पूरा क्लीनिंग होता है, मतलब यहाँ पे टाइम टू टाइम हम क्लीन भी कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, उस हिसाब से हमारा आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। नाउ सेकंड देखा जाए तो चैलेंजेस, इसके साथ जहाँ हम देखते हैं बेनिफिट होता है वहाँ पे पूरा डिसएडवांटेज भी रहता है तो उसका तीन चार डिसएडवांटेज भी है। जैसे हम चेक करें इसका हायर कैपेक्स, मतलब कि इसका जो अभी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है, जैसे कि पूरा टेक्नोलॉजी अलग है और इसमें फ्लोटर है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, फ्लोटर का कॉस्ट के हिसाब से हाँ अभी हम इनोवेशन करके उसको थोड़ा बहुत मतलब रिड्यूस कर सकते हैं और जैसे जैसे हम भी देखते हैं आगे हमारे ये रेसिडेंशियल या तो ग्राउंड माउंटेड जो प्रोजेक्ट थे वो 2015 पे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट था, वो हिसाब से अभी हम देखने जाए तो बहुत कम कॉस्ट आ गया है, जैसे इनोवेशन आया है तो वो हिसाब से अभी फ्लोटिंग में भी आएगा कि हमने अभी ये ज़्यादा हायर है तो अभी आने वाले 3-4 साल में लग सकता है इसका पूरा कॉस्ट भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। सेकेंड देखने जाए तो दिस आर ओनली गुड फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन, तो दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर रेसिडेंशियल स्मॉल प्रोजेक्ट, ये जो बात कर रहे हैं वो लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कि पूरा गीगावाट और मेगावाट स्केल के लिए बात कर रहे हैं। नाउ देन लेक साइज एंड विंड इश्यू, इसमें एक ये हो सकता है कि लेक साइज है वो बहुत अगर मान लो कम है, अगर हमको प्रोजेक्ट लगाना है 1 मेगावाट 2 मेगावाट का लेकिन लेक की साइज नहीं तो लेक साइज भी वहाँ पे कम पड़ सकती है। और दूसरा देखने से विंड इश्यू भी रहता है, कई बार हम ऐसी जगह लगा देता है तो वहाँ पे पूरा विंड का इश्यू रहता है तो विंड के इश्यू के हिसाब से हम डिजाइनिंग सेट कर सकते हैं, वो चैलेंज को भी हम थोड़ा बहुत माइनॉरिटी पे ला सकते हैं। जैसे कि विंड के इश्यू है तो वहाँ पे हम पैनल को थोड़ा दूर दूर लगा के या तो फिर थोड़ा डिजाइनिंग चेंज करके वो हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे देखने जाए तो सम फ्लोटिंग सोलर का हम प्रोजेक्ट देखते, जैसे जो जो है वो इंडिया में है, मतलब ये इंडिया में कौन कौन से प्लांट अभी लगे हुए हैं तो फर्स्ट वाला फोटो जो है आप देख सकते हो 2 मेगावाट पावर प्लांट दरभंगा बिहार में लगा है, 2 मेगावाट उसके ऊपर पूरा फ्लोटिंग सोलर लग गया है। सेकेंड वन इज अ 500 किलोवाट केरला के एसीबीएल जो है इसमें पूरा 5 किलोवाट, दैट इज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट इन केरला जो फ्लोटिंग सोलर था वो 500 किलोवाट का उसने वहाँ पे स्टार्टअप किया था। एंड थर्ड वन इज अ 1 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर बाय एनटीपीसी एंड इट इज इन कवास गुजरात, दैट इज अ फर्स्ट इन गुजरात, 1 मेगावाट फर्स्ट इन गुजरात। अभी हम देखते हैं एक इंस्टॉलेशन का वीडियो है तो कैसे हम ये पूरा जो प्लांट है उसको कैसे लगा के हम पानी में उसको डालना है, मतलब कि यहाँ
यहाँ पे ये जो है वो पूरा पैनल के साथ लगाया हुआ है, लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट अगर होता है तो इसको पैनल के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि पैनल के साथ लगाने से इसमें माइक्रोब्रेक भी आ सकता है। तो उसको ये तो अभी चेकिंग के लिए था, तो अब जब आप मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाओ तो ये जो है वो पैनल के बात करना है। तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा फ्लोट है वो सेट करके पूरा पानी में डाला है। इससे देखते हैं यहाँ पे पूरा बना के, देखो ये मूरिंग सिस्टम भी यहाँ पे किया हुआ है, मूरिंग के साथ इसको रखना है, क्योंकि अगर आगे भी जाएगा तो पूरा आगे चला जाएगा। और इसमें जितना भी लोग ये काम कर रहे हैं उसको पूरा सेफ्टी के साथ रखना है, क्योंकि ये पूरा रिजर्वायर है। तो वो हिसाब से ये ऐसे इसको प्रोजेक्ट में मतलब यहाँ पे अंदर कर सकते। अभी हम देखने जाए टॉप फाइव फ्लोटिंग सोलर की बात करें, तो टॉप फाइव फ्लोटिंग सोलर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है अभी, तो 40 मेगावाट पूरा लगा हुआ है हुनान सिटी चाइना, कोल माइनिंग सब्सिडेंस एरिया है, और वहाँ पे पूरा 40 मेगावाट फ्लोटिंग है। और वही सिटी में उसका दूसरा पार्ट जो है वो 20 मेगावाट है, कोल माइनिंग सब्सिडेंस वही उसका ये सेकेंड पार्ट जो एरिया है वहाँ पे है, वो भी चाइना है। 13.7 मेगावाट और इसे यामाकुरा सोलर पावर प्लांट जापान, उसमें 13.7 जो है वो एक ही फ्लोर पे है, मतलब पूरा ये एरिया जो है पूरा कवरिंग एरिया उसको उसके साथ पूरा प्लांट सेटअप किया हुआ है और ट्रांसमिशन। तो देन फोर्थ वन इज 9.98 मेगावाट पाई काउंटी चाइना, ये जो है वो चाइना के मतलब ये युआन हुनान के साथ मतलब 9.98 जो है उसका ये उसके साथ मतलब उसकी यूटिलिटी के लिए क्या हुआ है फ्लोटिंग सोलर। एंड फिफ्थ है वो 7.55 मेगावाट है वो युमेनोकी जापान, वो भी जापान में है। मतलब ये सबसे टॉप फाइव मतलब अभी जो स्टार्टिंग किया हुआ है वो चाइना और जापान, मतलब वहां से ये पूरा स्टार्ट हुआ है। जापान में भी बहुत सारे ये लग गए हैं और नेक्स्ट भी मतलब इसके साथ है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे टॉप फाइव कंसिडर किए हैं। अभी आगे चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारे लिए मतलब इंडिया में अभी क्या क्या है। तो अभी फर्स्ट चेक करते हैं कि 1 गीगावाट है वो मतलब उसका पूरा ये आ गया है प्लांट रिजर्वायर जो है उसका, जो मतलब हम देखते हैं कि एमपी का पूरा बहुत इंडिया का मतलब जो लार्जेस्ट रिजर्वायर है इंदिरा सागर के एमपी में, तो उसमें पूरा 1 गीगावाट फ्लोटिंग लगने वाला है। सेकेंड वन इज 1 गीगावाट महाराष्ट्र में लगने वाला है, उजनी डैम सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है वो। थर्ड वन इज 150 मेगावाट यूपी गवर्नमेंट में है रिहान डैम में, उसमें भी उसका भी एक वो आ गया है टेंडरिंग 150 मेगावाट के लिए रिहान डैम पे लगने वाला है यूपी में। 100 मेगावाट जो है वो एनटीपीसी तेलंगाना में उसने भी टेंडरिंग कर दिया है, मतलब 100 मेगावाट जो है वो एनटीपीसी करेगा, और एनटीपीसी जो है वो उसके ही लिए मतलब उसका ही एक प्लांट है उसके लिए वो यूज करेंगे पूरा पावर। उसके लिए प्लांट का मतलब वो टेंडरिंग हो गया है रामागुंडम तेलंगाना। एंड 70 मेगावाट है वो भी केरला में है, कायाकुलम प्लांट है वो 70 मेगावाट फ्लोटिंग है, राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट वो भी एनटीपीसी का ही है। वो पावर प्लांट में उसने दो पार्ट किए हुए हैं, और वो पार्ट में उसने अलग अलग पार्ट से फ्लोटिंग करेंगे। देन 25 मेगावाट एनटीपीसी उसका भी टेंडरिंग हो गया है, फ्लोटिंग सोलर है वो भी आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी आंध्र प्रदेश है, वो है 20 मेगावाट वो भी एनटीपीसी। मतलब इसमें दो तीन तरह है इंडिया में, सेकी भी निकालता है टेंडर, साथ साथ एनटीपीसी का भी बहुत टेंडरिंग है इसमें। 20 मेगावाट एनटीपीसी का भी है वो भी विद्यापुर यूपी में है, मतलब यूपी और एमपी वहाँ पे ज्यादा फ्लोटिंग इसलिए है कि वहाँ पे रिजर्वायर या लेक रिवर वो बहुत ज्यादा वो है, और इसकी जो स्पेस है वहाँ पे वो भी बहुत है, इसीलिए वहाँ पे पूरा गीगावाट मेगावाट में प्लांट अभी लग रहा है। धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट ये चेक करके
पूरा रिजर्वोयर लेक रिवर जितना भी बड़ा है वो सबके साथ मतलब पूरा रिसर्च आरएनडी करके कहाँ कहाँ लग सकता है वो भी इंडिया में आने वाला है। मतलब वो भी हो सकता है कि यहाँ पे पूरा एक